नमस्कार, मैं माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बात करते हैं कुंभ राशि के मई माह के राशि फल की। कुंभ राशि, राशि स्वामी की अगर हम बात करें, सबसे पहले राशि स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनिदेव का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह गोचर आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। हालांकि इस माह में आपको लाभ अवश्य मिलेंगे, वे लाभ धन के लाभ होंगे, क्योंकि धन भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी दोनों बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको धन को लेकर बहुत ही सुखद माह जाने वाला है। राशि स्वामी का द्वादश भाव से गोचर, कहीं ना कहीं अगर आप अपना मकान बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यह गोचर एक शुभ गोचर माना गया है। बात करें आपके करियर की, तो यहाँ पर दशम भाव के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव का जो गोचर है वे पंचम भाव से हो रहा है और दशम भाव में केतु का गोचर हो रहा है, तो आपके करियर के लिए यह स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके अपने भाव से मंगलदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और दशम भाव में केतु का गोचर भी हो रहा है, तो दशम भाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके करियर में परिवर्तन के योग हैं, जो कि एक सुखद परिवर्तन हम नहीं कह सकते। हाँ, तृतीय भाव में यहाँ पर सूर्य और शुक्र की युति है, क्योंकि यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव और भाग्य भाव के स्वामी भी शुक्रदेव बनते हैं। उनका गोचर तृतीय भाव में कहीं ना कहीं आपके भाग्य को लेकर परेशान करने वाला बन सकता है। हालांकि सूर्यदेव यहाँ पर उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जो कि सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो यहाँ आप अपने पार्टनरशिप में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या पार्टनरशिप को लेकर यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव का गोचर 14 मई तक यहाँ मेष राशि में रहने वाला है। उसके बाद सूर्यदेव 14 मई के बाद में चतुर्थ भाव यानी वृष राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर उनका वृष राशि में गोचर कहीं ना कहीं सूर्य के साथ राहु की युति बनाएगा, जो कि यह युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपके ब्रेक लग सकता है। इसलिए जो भी डिसीजन आपको लेने हैं अपने पार्टनरशिप में, अपने बिजनेस में, तो आप 14 मई से पहले ले सकते हैं। लाभ भाव के स्वामी की अगर हम बात करें, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से होकर गोचर कर रहा है, जो कि आपको लाभ अवश्य दिलाएगा। लाभ आपके धन को लेकर यहाँ पर एक अच्छा लाभ रहेगा। बात करें आपके एजुकेशन की, एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बुद्धदेव बनते हैं पंचम भाव के स्वामी। बुद्धदेव का गोचर चतुर्थ भाव में राहु के साथ में है, जो कि स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपका एजुकेशन में मन थोड़ा सा कम लगेगा, कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी को लेकर ज्यादा यूज करना चाहेंगे, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं भौतिकवाद का प्रतीक माना गया है, तो बुध के यह गोचर आपको थोड़ा सा डिसीजन लेने में दिक्कत कर सकता है। बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो अपनी राशि से द्वादश भाव में शनि देव का गोचर हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर ये बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप इस समय मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। शारीरिक रूप की अगर हम बात करें, तो स्किन एलर्जी ये सब चीजें आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकती हैं, ताकि बहुत बड़ा दिक्कत आपको यहाँ दिखाई नहीं देती। ओवरऑल अगर हम बात करें तो धन को लेकर यह महीना बहुत ही अच्छा है। करियर में चेंजेस आ सकते हैं, जो कि सुखद नहीं होंगे। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में, अपने बिजनेस में आपको यात्रा करने का मौका अवश्य मिलेगा। एजुकेशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। हमारे खुश जीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।